नगर परिषद हमीरपुर के दो कार पार्किंग की नीलामी का आयोजन टाउन हॉल परिसर में किया गया, लेकिन माहौल उस समय गर्मा गया जब बोलीदाताओं में आपस में कहा सुनी हो गई। काफी देर तक नीलामी प्रक्रिया को भी रोकना पड़ा और गहमा गहमी के दौरान नीलामी प्रक्रिया को पूरा करवाना पड़ा है। नीलामी प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास ईओ किशोरी लाल के अलावा सभी पार्षद भी मौजूद रहे। नगर परिषद ने सब्जी मंडी और गांधी गेट के समीप कार पार्किंग के लिए खुली बोली रखी गई थी, जिसमें 19 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया है। सब्जी मंडी की कार पार्किंग 2,88,000 और गांधी गेट के पास बाली पार्किंग की बोली 1,30,000 में बोली गई। ईओ किशोरी लाल ने बताया कि दोनों पार्किंगों के लिए नीलामी की गई है। गांधी गेट के पास पार्किंगों की नीलामी की गई है। उन्होंने बताया कि आपस में बोलीदाताओं के उलझने से कुछ देर के लिए देर हुई, लेकिन बाद में नीलामी प्रक्रिया को पूरा किया गया। देखो, आज जो ये हमारी नगर परिषद की दो पार्किंगें थी जिनकी आज हमने ऑक्शन की है, तो इसमें 19 जो बोलीदाता है उन्होंने भाग लिया और ये दोनों पार्किंगों की आज जो है वो हमने ऑक्शन कर दी है। देखो, ये जो बीच में ये आपस में उलझ रहे थे या विवाद खड़ा कर रहे थे, इसके संबंध में इस समय कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर इनको कोई कंफ्यूजन थी तो जब ये सिक्योरिटी जमा करवा रहे थे, हमारे पास जो बिड बनी जमा करवा रहे थे, तो उस टाइम मेरे पास आते और उस टाइम समस्या का समाधान करते। हमने तो जो जिस बोलीदाता ने जिस पार्किंग के गेस्ट बिड बनी जमा करवाया है वो ही उसमें बोली दे सकता है, तो ये तो हमने टर्म्स एंड कंडीशन इनको पहले पढ़कर सुनाई। जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड के पास जो हमारी पार्किंग है ये 2,88,000 में गई है। पंकज कुमार है, इनके पक्ष में गई है। और ये जो नजदीक गांधी गेट के पास जो है ये पार्किंग 1,30,000 में गई है। विनोद कुमार है, इनके पक्ष में। जो जिस तरह जो उचित डिमांड है, जो उन्होंने मांग उठाई थी, वो हम उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई करेंगे। जिस तरह वार्ड नंबर 6 में जो नजदीक गांधी गेट के पास जो पार्किंग है, वहां पर कुछ वो पूर्व ठेकेदार कुछ समस्या बता रहे थे,